हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 5 दिसंबर और अब तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। दोस्तों इन सब का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कार्ल 16वें गुस्ताफ किस देश के राजा हैं? पहला क्वेश्चन है तो यह है स्वीडन के, ठीक है दोस्तों, यह है स्वीडन के। और कार्ल 16वें गुस्ताफ और उनकी रानी सिल्विया दोनों भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं और ये भारत आए हैं 2 दिसंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस में आए उस आंधी का क्या नाम है? तो उस आंधी का नाम है कामूरी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी कामूरी, ठीक है दोस्तों। और ये आंधी की जो रफ्तार है वो है 155 किलोमीटर पर आवर से 190 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, काफ़ी भयानक आंधी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो यह है नीनू इतिरा, ठीक है, नीनू इतिरा। और प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के नीनू इतिरा पहले महिला प्रबंधक है, ठीक है। इसके पहले जो प्रबंधक थे वो थे एस अनंत रामन, जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस उपग्रह ने हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त भारतीय मून लैंडर विक्रम पाया है, यानी विक्रम को खोजा है, ठीक है। तो वो नासा का उपग्रह था, जो भारत का मून लैंडर विक्रम था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसे नासा के किस उपग्रह ने देखा है? तो LRO, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी LRO। अब LRO मतलब होता है दोस्तों लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। इसी ने दोस्तों जो विक्रम है उसका फोटो खींचा था और इस फोटो में ये दिखाया गया कि विक्रम कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन ए मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 2.0, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को टीकाकरण करना और गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाना है, ठीक है। इस अभियान में डिप्थीरिया, खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी को जोड़ा गया है, ठीक है। जितने भी ये सब है इसको इस अभियान में जोड़ा गया है, ठीक है। और यह मिशन जो है 2 दिसंबर 2019 से 2 मार्च 2020 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी पोडली शंकर राजेश्वर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। और ये 14वें कमांडर इन चीफ हैं, ठीक है। वे सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएट हैं और दिसंबर 1980 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में नियुक्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आस्था दिवस 2019 किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के तेजू में मनाया गया, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य राज्य की समृद्धि, संस्कृति और पहचान को संरक्षित करना यानी बचाना है। समारोह की जो अध्यक्षता तेजू विधायक करीखो क्रिया ने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पुस्तक पुरस्कार शक्ति भट्ट किसने जीता? तो ये आपका हो जाएगा टोनी जोसेफ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी टोनी जोसेफ, ठीक है। अब उन्हें ये पुरस्कार 2018 की किताब के लिए दिया गया, ठीक है। उस किताब का नाम था इंडियंस अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ एवर एंसर्स एंड वेयर वी कम, ठीक है। उसके लिए वो दिया गया और वो 12वां शक्ति भट्ट पुरस्कार था। और इस पुरस्कार की घोषणा जो है वो भट्ट शक्ति भट्ट फाउंडेशन द्वारा किया गया, ठीक है। तो बस दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।